बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आज का ब्लॉग गाइस मैं इवनिंग से ही शुरू कर रही हूँ। देखिए मेरे पीछे से टाइम हो रहा है और सूरज ढलने वाला है गाइस। सूरज ढल रहा है और अब मैं चल रही हूँ गाइस रेसिपी बनाने के लिए। उसकी तैयारी करती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ मैं आज क्या बनाने वाली हूँ गाइस। तो आप मैं चलती हूँ आपको देखिए। उसके पहले गाइस आपको मैं सनशाइन दिखाती हूँ, यानी कि सूरज ढल रहा है। देखिए आपको दिखाती हूँ सूरज ढल रहा है उस पेड़ के पीछे गाइस। ये देखिए गाइस मेरे कैमरा का नज़ारा ये देखिए। और वो गाइस सामने वाला जो रेड कलर ग्रीन कलर का घर है वो रैनी का है गाइस। जो याद है आप लोग को जो मेरे साथ लखनऊ गई थी उनका घर है। और ये देखिए गाइस इस तरह तैयारी करती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बना रही हूँ आज। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस दाल टिकिया। उसके लिए देखिए मैं दाल बीन रही हूँ अरे की। अब जल्दी से दाल बीन लूँ, उसके बाद इसको दाल को धुल लूँ और कुकर में डाल दूंगी और इसको 2-3 सीटी में उबाल लूंगी गाइस। देखिए गाइस मेरी दाल बन चुकी है, अब इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। अब जा रही हूँ गाइस इसको मैं धुलने। देखिए गाइस मैं दाल को धुल के आ चुकी हूँ। अब इसमें गाइस मैं पानी मिला रही हूँ, डाल रही हूँ पानी। गाइस इसमें देखिए मैं नमक डाल रही हूँ। ऐसे ही बस मैं पानी में ऐसे नमक डाल के बस इसको उबालने के लिए रख दूंगी बस। गाइस मैं यहाँ पे भूल गई थी देसी घी डालने जा रही थी गाइस में, फिर मेरे को याद आ गया देसी घी तो डालना नहीं है। देसी घी तो अभी उसमें आटे की लोई में मैं मिलाऊंगी। अब देखिए गाइस मैं कुकर चढ़ा रही हूँ। देखिए गाइस मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब देखिए गाइस मैं आटा चाल रही हूँ, जल्दी से मैं आटा चाल लूँ, उसके बाद आटा सान के। देखिए गाइस अब मैं आटे में घी मिला रही हूँ। जितना घी आपको डालना हो तो आप घी डाल सकते हैं गाइस। और देखिए अब मैं नमक मिला रही हूँ स्वाद अनुसार, जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आटा हो उस हिसाब से। एक तरफ मेरी दाल पकड़ी थी, एक तरफ मैंने गाइस आटा सानना चालू कर दिया था। देखिए गाइस मैंने एक कटोरी में नमक और घी निकाल लिया है। देखिए गाइस अब उसमें मैं मिला रही हूँ इसको आटे की लोई में भरने के लिए। गाइस देखिए ये कटोरी रखी है सामने गाइस और इसको मैंने अच्छी तरीके से देखिए बेल लिया है गोल गोल। इसकी देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिया गाइस। इसको मैंने ग्लास से काट लिया था गाइस। अब इसमें मैं घी भरूंगी, इसको अलग अलग आकार में मोमोज कभी कुछ कभी कुछ कभी गोल गोल गोली मोढ़क सब कुछ बनाऊंगी गाइस इसमें, और समोसा मोसा सब कुछ। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने दाल को भगोने में ना लिया था और इसमें थोड़ा पानी मिला दिया है। इसको अब मैं थोड़ा सा खोलाऊंगी गाइस और इसमें फिर उसके बाद मैं दाल टिकिया मिलाऊंगी जो मैंने बनाए हैं गाइस।
देखिए गाइस, ये देखिए समोसा अलग अलग आकार के मैंने दिए, अलग अलग शेप। ये देखिए मोदक, ये देखिए गोली, ये देखिए सादे, ये फरे, और ये ऐसे ही। इसमें कुछ मेरे हस्बैंड ने भी बनाया था गाइस। ये गाइस अब इसको दाल मेरी गर्म हो रही है, और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। ये टिकिया सारी दाल में डाल दी। अब इसको खौला लूँगी, उसके बाद इसमें छौंका लगाऊंगी गाइस। ये देखिए गाइस, जल्दी किया हो गई रेडी। अब इसमें जा रही हूँ मैं छौंका लगाने गाइस। देखिए गाइस, छौंका इसमें लग रहा है। मैंने इसमें जीरा डाल दिया, तेल गर्म हो चुका था गाइस। और ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने हल्दी नहीं डाली थी। ये गाइस मैंने अपनी नंद से ट्रिक सीखी है, वो भी ऐसे करती है, तो आज मैंने भी किया गाइस। ये देखिए गाइस, छौंका लग गया। ये देखिए गाइस, मेरी दाल टिकिया रेडी हो चुकी है। बताइए कैसी बनी है। मेरी दाल टिकिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने अभी तक की नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरी सारे के सारे मेरे ब्लॉग आप लोग देखिए। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय एंड गुड नाइट।